मोनिका जी देखे शायद वो बाहर है, मोनिका जी आ गए। कपिल त्यागी जी आपसे अनुरोध है कि आप आगे सोफे पर अपना स्थान ग्रहण करें। नुपुर शर्मा जी शीघ्र ही हमारे बीच होंगी और हम कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का आरंभ हम एक प्रेजेंटेशन से कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर सोनाली चितलकर को। आप मिरांडा हाउस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सोनाली जी सभी को नमस्कार। फरवरी 2020 दिल्ली में दंगों की स्थिति पाई गई। मैं एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ा सा जिया ने, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस ने किस तरह से इस विषय को उठाया उस पर बात करूंगी। सभी से अनुरोध है ध्यान से इस वीडियो को देखें। फरवरी 2020 को दिल्ली में इस प्रकार के विध्वंस की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस ग्राउंड पे गया और हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि यहाँ हुआ क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 23 से 25 फरवरी तक कुछ ग्राउंड रिपोर्ट हमें ये भी मिली कि 26 फरवरी तक इस आतंक का माहौल दिल्ली की सड़कों पर रहा। हमारी रिसर्च टीम 29 फरवरी से 10 मार्च 2020 ग्राउंड पे गई, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पे गई और 11 मार्च 2020 को हमने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री जी किशन रेड्डी को एक रिपोर्ट सबमिट करी। ये पाया गया कि 4 फेजेस में 23 फरवरी को जो हुआ उससे पहले की स्थिति 4 फेजेस में देखी जा सकती है। 2019 में 15 दिसंबर को दिल्ली वासियों को याद होगा कि जामिया में दिल्ली में बहुत दंगा हुआ था, जामिया नगर का एरिया था, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दंगे हुए। ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई है, पीछे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। फिर हमने देखा कि शाहीन बाग और CAA के विरुद्ध दिल्ली भर में प्रोटेस्ट साइट्स एस्टैब्लिश हुई। CAA को एक फ्रंट रखा गया, एक कारण की तरह उबारा गया। आगे जाके मैं बताऊंगी कि ये एक फॉल्ट लाइन भी है जिसको कि एक्सप्लॉइट किया गया। कहा गया कि पीसफुल प्रोटेस्ट हैं, पीसफुल शुरू से ही नहीं थी।
एक किताब हम लोगों ने लिखी, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस ने, किताब बाहर है, उसमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं किस तरह आर्टेरियल रोड्स को रोका गया, किस तरह से फरवरी 2020 से पहले सड़कों पे आतंक था। बात हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कर रहे हैं, बिल्कुल ये मॉडल आप साउथ दिल्ली में भी देखा गया था। आगे बात करते हैं, मॉडल में क्या था, मेट्रो स्टेशन को ब्लॉक किया गया, बार बार मेट्रो स्टेशंस को ब्लॉक किया गया। यही इलेक्शंस का माहौल था दिल्ली में, और हम देखते हैं कि हेट स्पीचेस एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाने के लिए बिल्कुल फॉल्सहुड, फॉल्स न्यूज़, प्रोपेगेंडा फैलाया गया, और कहाँ, इन्हीं प्रोटेस्ट एंटी सीए प्रोटेस्ट साइट्स में। 10 फरवरी के आसपास ये जो सारी घटनाएं थी वो रोज़ होने लगी। हम जा रहे हैं रोज़मर्रा अपने काम के लिए, देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन ब्लॉक्ड है। इट बिकेम सो कॉमन इन दिल्ली। 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को रोका गया, 24 फरवरी को ये वायलेंस भजनपुरा, और 25 और 26 जनवरी को पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इसी तरह के वायलेंट इंसिडेंट्स देखे गए। मॉडल क्या है, इंसिडेंट्स के डिटेल्स बुक में हैं, मॉडल क्या है, आप एक राष्ट्रीय फॉल्ट लाइन को उठा लेते हैं। इस केस में हिंदू मुस्लिम एक फॉल्ट लाइन है जो उठाई गई, एक पॉलिसी उठाई गई सीएए को, जो कि मूलतः भारतीय मुसलमानों का उससे कोई सरोकार है ही नहीं, इट डज नॉट रिलेट टू इंडियन मुस्लिम्स, लेकिन ये फॉल्ट लाइन बनाई गई, एक ज्वलंत रेखा बनाई गई, जिसको कि फिर बार बार उसको जलाया गया, किस तरह से, शाहीन बाग में बैठ के और इस तरह की प्रोटेस्ट साइट्स में बैठ के। तो पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं ये पीपीटी बना रही थी, मैं बार बार कहूँगी मैं ये पीपीटी बना रही थी तब ये नहीं हुआ था, लेकिन अभी एक दिन पहले आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के दो एरियाज वो दे हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट। तो एंड दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जब आप जनता का किसी एक पार्ट, जनता के किसी एक पार्ट को इंस्टिगेट करते हैं, तो वो इतना, इट्स नॉट अ नॉर्मल इंसिडेंट, वी शुड वरी अबाउट इट। आइडियोलॉजी क्या थी, लेफ्ट रेडिकल, लार्जली आप लेफ्ट रेडिकल देखते हैं, जिन्होंने कि एक जिहादी मेंटालिटी के साथ मिलके ये पूरा का पूरा वायलेंस ऑर्गेनाइज किया, सड़कों पे आगजनी थी, वेरी वेरी वायलेंट, आपने पिक्स देखे हैं, ये तो कुछ पिक्चर्स हैं, इनमें से एक पिक्चर स्कूल की थी, स्कूल्स भी जलाए गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नहीं छोड़ा गया, मेट्रो को ऑक्यूपाई करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटेस्ट साइट्स वर ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी। इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस, देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध, समुदाय के विरुद्ध स्पीचेस, एनसर्कलमेंट, जो लास्ट एक लाइन है एनसर्कलमेंट, इसका क्या अर्थ है कि किसी एक एरिया को आप बाकी एरिया से काट रहे हैं, तो आपके प्रोटेस्ट साइट ऐसे लोकेटेड हैं कि उस एरिया के अंदर कोई नहीं आ सकता, वहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खासकर ये देखा गया। नेक्स्ट स्लाइड। सोशल मीडिया पे जी भर के प्रोपेगेंडा, फिर मैं रशिया की तरफ पॉइंट करूँगी, क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये प्रोपेगेंडा है, सोशल मीडिया की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पॉपुलेशन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि शाहीन बाग और दिल्ली राइट्स के समय पे भी सोशल मीडिया का बहुत यूज़ किया गया फॉल्स प्रोपागेंडा के लिए, इतने लोगों को मार दिया गया, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया, यहाँ गैदर करिए, स्ट्रीट में गैदर करने के लिए व्हाट्सएप मैसेजेस वर सर्कुलेटिंग कि आइए सड़कों पे निकल के आइए, प्रोटेस्ट करिए, मॉब बनाइए। और अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इन्हीं सब चीज़ों को की तरफ इंडिकेट कर रही है, हम लोगों ने ये ग्राउंड रिपोर्ट के बेसिस पे ये पाया कि एक्चुअली बहुत सोशल मीडिया का यूज़ किया गया, व्हाट्सएप का, कलेक्शन ऑफ आर्म्स, यदि आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उस टाइम पे जाते तो छतों पे आप देखते कि छोटे छोटे आर्म्स एंड वेरी लीथल कॉकटेल, मोलोटोव कॉकटेल जिसे कहते हैं, कि
बोतल में आप एक ग्लास की बोतल में इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ बॉम्ब. इनको पायरो बम्बार्टमेंट कहते हैं, छोटे छोटे मिसाइल्स की तरह वेरी वायलेंट बॉम्ब्स. भजनपुरा में यदि जिस पेट्रोल पंप पे आगजनी हुई, यदि उसका जो अंडरग्राउंड टैंक था वो किसी तरह से अफेक्ट हो जाता, एंटायर एरिया वुड हैव ब्लोन अप. इतना वहाँ पे डेंजरस सिचुएशन था. क्रॉस बॉर्डर लिंक्स देखे जाते हैं. ये मॉडल है. अब ये मॉडल और कहाँ कहाँ रिपीट हुआ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नागरिक हैं हम लोग, सिटीजन्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये मॉडल कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है. बैंगलोर में 2020 अगस्त में देखा गया एग्जैक्टली द सेम थिंग. एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट था, 2000 दंगाई सड़कों पे उतरे, मैनी पुलिस पीपल वर हर्ट. बहुत मुश्किल से दो दिन के बाद बैंगलोर में आगजनी वायलेंस हिंसा पे कंट्रोल पाया गया. एग्जैक्टली वही मॉडल आपने फार्म लॉज के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है उसमें देखा. जस्ट इन टू मिनट्स आई विल टेल यू फॉल्ट लाइन क्या थी. पिछले केस में इट वॉज हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे हमने देखा पंजाब और लार्जली अ पॉपुलेशन ऑफ सिक्स को टारगेट किया जा रहा था. इंस्टिगेशन कुंडली आदि जो जो साइट्स इस्टेब्लिश हुए फार्म प्रोटेस्ट के लिए, उन साइट्स पे इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस, मैसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया. एक 26 जनवरी को वायलेंस हुआ था लेकिन वो सोशल मीडिया, और एक प्रोटेस्टर की डेथ हुई थी, और वो सोशल मीडिया पे इतना उछाला गया कि इट वॉज, इट कुड हैव लेड टू इवन मोर वायलेंस. कम्युनिटीज़ के बीच में दरार हो सकती थी. यही चीज़ आप देखेंगे कि कुछ वीडियोस सर्कुलेट कर रहे हैं. अभी कुछ पिछले हफ्ते दीप संधू का देहांत हुआ और उनके देहांत के बहुत सारे वीडियोस सर्कुलेट कर रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया में, विच आर वेरी इन्फ्लेमेटरी. पंजाब इज़ अ बॉर्डर स्टेट जहाँ एक वायलेंस की हिस्ट्री है, तो क्रॉस बॉर्डर भी इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरफियरेंस रहा. इंटरनेशनल इंटरफियरेंस देखा गया फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे. स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं कनाडा, यूएसए, यूके, कितने सारे नेटवर्क्स को इन्वॉल्व किया गया. वही आइडियोलॉजी आपने फार्म प्रोटेस्ट साइट में देखी, लेफ्टिस्ट रेडिकल. फार्म प्रोटेस्ट के लीडर्स की आप प्रोफाइल देखिए, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द लेफ्ट विंग. इलेक्शन की स्थिति थी पंजाब में, यूपी में, तो एग्जैक्टली मॉडल वही है. आप 2020 में देख रहे हैं, 2022 में देख रहे हैं, मॉडल एग्जैक्टली वही है. अब आप लेटेस्ट हिजाब कंट्रोवर्सी में देख रहे हैं, दो दिन पहले कर्नाटक इज अगेन बर्निंग. एक छोटे से इशू को लेके उसके अराउंड फॉल्सहुड फैला के, हिजाब का इशू है ही नहीं लेकिन फॉल्सहुड फैला के देर इज वायलेंस, पीपल आर डाइंग. People like you and me, citizens, are being affected. हमें क्या सीखना है, क्या हमारे खिलाफ किस तरह किसी तरह का influence operation हो रहा है, ये psychological operation हो रहा है क्या हमारे खिलाफ, Twitter पे, social media पे इस तरह से हमारी fault lines को exploit करके. हमें सोचना पड़ेगा, नागरिक हैं हम लोग, कि कोई इस तरह से psyop कर रहा है क्या हमारे ऊपर, कौन कर रहा है, क्या हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कर रहा है. हमें समझना पड़ेगा ये क्रॉस बॉर्डर आ रहा है, चाइना से आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है. सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, यहाँ पे लॉयर्स हैं, मेरा फील्ड नहीं है, उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे नए लॉज होने चाहिए कि हम सोशल मीडिया को देखें. इनका एम क्या है ऐसे इंसिडेंट्स का, इस मॉडल का एम क्या है. आप नेशन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं. हमारी कुछ फॉल्ट लाइंस हैं हमारे देश में जिसको कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काया जा रहा है. एक डेमोक्रेसी में आप लॉ लेजिस्लेशन नहीं होने दे रहे हैं, पॉलिसीज को नहीं पास होने दे रहे हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी को नहीं उभर के देने आ रहे, यू आर नॉट अलाउंग इट टू हैपन. तो ये सोचने की ज़रूरत है हमें कि कौन कर रहा है, इज इट आर सम फोर्सेज एक्चुअली डूइंग दिस. इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन, इतनी आग जली, इतना लॉस, इतने लोगों का की जान गई, फार्म प्रोटेस्ट हुए, इतनी करोड़ों रुपए का लॉस, हु इज लूजिंग आवर कंट्री. पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, हु इज लूजिंग कंट्री, सिटीजंस. इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, दे आर ऑल पीपल हु आर इन वेरी हाई पोजिशंस,
नेशन फर्स्ट हम यदि अडॉप्ट करके चलें इस माइंड को, तो हम जहाँ जहाँ हैं वो नेशन फर्स्ट का ही हमें नारा रखना चाहिए। थोड़ा विक्टिम्स को याद करें, दिनेश खटीक, ये सारे विक्टिम्स हैं, मोनू जो आप राइट हैंड साइड पे लड़का देख रहे हैं उसके पीठ में अभी भी गोली फंसी है, ही इज अ यंग बॉय 26 साल का। दीज आर ऑल विक्टिम्स, दिनेश खटीक्स फैमिली। जो राइट हैंड साइड ऊपर वाला है वो स्कूल बुक्स जली हुई है। थैंक यू, जय हिंद। इस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आज के अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एडवोकेट कपिल त्यागी जी, डीजी रिटायर्ड निर्मल कौर जी, मोनिका अरोरा जी, नुपुर शर्मा जी थोड़ी ही देर में हमारे बीच होंगे। लाइट्स ऑन करवा दीजिए। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया चलाए। आज एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह से हम आपस में मिलते हुए एक नई लौ जगाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर एकत्रित है। आप सम्माननीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। जिया यानी ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस सशक्त महिलाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रेसिडेंट अवॉर्डी, प्रो वाइस चांसलर्स, सीनियर एडवोकेट्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स आदि बहुआयामी सदस्य सम्मिलित हैं। इसकी नेशनल कन्वीनर एडवोकेट मोनिका अरोरा जी हैं और को कन्वीनर ललिता निझावन जी। इन दोनों के नेतृत्व में यह समूह समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्य में पिछले 6-7 वर्षों से अपना योगदान दे रहा है तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन के सूत्रधार की भूमिका निभा रहा है। अभी जैसा हमने प्रेजेंटेशन में देखा और आप याद करें कि 26 फरवरी 2020 को होने वाली CBSE की 10th व 12th की जो बोर्ड परीक्षाएँ थी वो पोस्टपोन कर दी गई थी, क्योंकि CAA के विरोध के नाम पर शुरू हुआ धरना 23-24 फरवरी की रात से दंगे में बदल गया था और उत्तर पूर्वी दिल्ली पूरा झुलस गया था। जिया की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जिसके 5 सदस्य थे, एडवोकेट मोनिका अरोड़ा, डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा, डॉक्टर सोनाली चितालकर, डॉक्टर श्रुति मिश्रा और मिस दिव्यांशा शर्मा। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो वॉज देन हैंडेड ओवर टू MOS होम श्री जी किशन रेड्डी जी। उसी रिपोर्ट की श्रृंखला की कड़ी के रूप में आगे एक पुस्तक आई, दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, जो बाहर एक उपलब्ध भी है। पुस्तक की लेखिकाएं रहीं मोनिका अरोड़ा जी, प्रेरणा मल्होत्रा जी और सोनाली चितालकर जी। इस पुस्तक के विमोचन के समय भी जो कहानी हुई वो हम सबको याद होगी और फिर गरुड़ा प्रकाशन से इस पुस्तक का प्रकाशन व विमोचन हुआ। आज का विषय 2022 में भी उतना ही समसामयिक है, क्योंकि ऐसा प्रयोग करने का प्रयास देश के अनेक हिस्सों में किया गया जिस तरह से अभी सोनाली जी ने अपने प्रेजेंटेशन में उसे दिखाया। हमारे बीच नुपुर जी आ चुकी हैं। नुपुर जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी संदर्भ में हम अब आज के कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। हमारे बीच संजीव उनियाल जी हैं, एडिशनल AAG इन सुप्रीम कोर्ट, एक्स दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट अधिवक्ता परिषद,
एंड पैनलिस्ट इन ऑल मीडिया, वी ऑल सी हिम यूजुअली एवरी इवनिंग, और आरएसएस का रहस्य पुस्तक के लेखक संजीव जी से आग्रह है कि वे एडवोकेट कपिल त्यागी जी का परिचय प्रस्तुत करें। धन्यवाद डॉक्टर नमिता। एकाकी नाम तपो दाभ्याम पठनम गायनम त्रिभि चतुर्भि गमनम पंचम कृषि बहुर्मुखी रणा। ये श्लोक श्रीमान के त्यागी जी जो अधिवक्ता हैं, कपिल कुमार त्यागी पूरा नाम, पर हम के नाम से लीगल फ्रेटर्निटी में जाने जाते हैं। जब दंगों की बात हुई, डॉक्टर सोनाली ने इतनी डिटेल में बताया कि किस तरह से दंगे हुए थे, उन दंगों को कोर्ट्स में डिफेंड करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम लॉयर्स की चाहिए थी, तो उसमें बढ़ चढ़कर जो सब फ्रंट से लीड कर रहे हैं वो एडवोकेट के त्यागी जी हैं। कोई आसान काम नहीं है, FIR हो जाने के बाद पंचनामा कराना, उसके बाद एविडेंस कराना, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन कराना, और विटनेस का जब बैक में मार जाना, उनके घर में जाके उनको समझाना, नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस तरह की 50-55 एडवोकेट्स की टीम त्यागी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करती है। के त्यागी जी का शॉर्ट परिचय मैं देना चाहूँगा, बहुत लंबा परिचय हो सकता है, मेरे साथ ही हैं, कड़कड़डूमा में प्रैक्टिस करते हैं और बार के एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं, जाना माना नाम है, और आप दिल्ली बीजेपी लीगल सेल के कन्वेनर भी हैं, सारे कोर्ट्स में उनको रिप्रेजेंट करते हैं और हर तरह से एडवोकेट्स के साथ खड़े रहते हैं। उस श्लोक का अर्थ आज के परिपेक्ष में चरितार्थ करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और के त्यागी जी को आमंत्रण दूंगा कि वो आकर अपनी बात कहें। एकाकी नाम तपो, चाणक्य कहता है कि एक व्यक्ति तप कर सकता है। द्वाभ्याम पठनम, पढ़ने के लिए दो व्यक्ति चाहिए। गायनम त्रिभि, गाने के लिए म्यूजिक के लिए तीन लोगों की जरूरत होती है, और घूमने फिरने के लिए वन विहार के लिए चार लोग चाहिए पिकनिक के लिए, और खेती के लिए पांच लोगों की आवश्यकता है। परंतु जब देश पर इतना बड़ा कुठाराघात हो, जब देश के अंदर ही उसके दुश्मन पनप रहे हो सांप की तरह, तब बहुर्मुखी रणा, उस रण के लिए जितने हाथ चाहिए उतने कम हैं। इंटेलेक्चुअल्स भी चाहिए, एडवोकेट्स भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, रिक्शा वाला भी चाहिए, प्रोफेसर भी चाहिए। तो आज इस छत के नीचे हम सब एकत्र हैं और हर तरह के रिप्रेजेंटेशन यहां पर मुझे नजर आ रहा है। मैं के त्यागी जी का सम्मान करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आज हमारा कुछ अपने शब्दों में जो कोर्ट्स में हुआ उनको बताएं और अपने बारे में एक बार फिर से बताएं कि कितने जुझारू रूप से वो डटे हुए हैं कोर्ट्स में। आइए के त्यागी जी। थैंक यू संजीव जी। अभी संजीव जी बता रहे थे, संजीव जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं अपना केशिश के बारे में शुरू करने से पहले दिल्ली दंगा एक प्रयोग जो एक कार्यक्रम एक आयोजन हो रहा है, सबसे पहले मैं बहन मोनिका अरोड़ा जी, बहन नूपुर शर्मा जी, निर्मल कोल जी जो एक्स DGP हैं, डायस पर उपस्थित हैं, मैं आप सबका प्रणाम करता हूं। जो आप सब यहां आज इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। जो अभी ये बात हो रही थी इन दंगों की, सबसे पहले मैं थोड़ा स्टेटस आपको बता दूं, फिर उसके बाद डिटेल आपको बताऊंगा। ये जो 23 फरवरी 2020 को जो घटनाक्रम शुरू हुआ, इसके संबंध में इन दंगों के 753 केस रजिस्टर टोटल हुए हैं, जिनमें 356 केसेस में चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं, और इन 356 चार्जशीट को कंटेस्ट करने के लिए 53 एडवोकेट्स की टीम वहां काम कर रही है। जो
बिना किसी शुल्क के, बिना किसी कागज के पैसे के, बिना टाइपिंग के पैसे के समाज की मदद के लिए काम कर रहे हैं। ये जो टोटल 753 केसेज थे, इनमें से 62 केसेज ऐसे थे जिन्हें क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया था। उनका टोटल इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने किया है। वो मर्डर के केसेज हैं और कुछ उनसे रिलेटेड केसेज हैं। अभी इन सभी केसेज में से एक केस में सजा भी हुई है जो 436 में हुई है, जो हिंदू को हुई है, और एक केस में मुस्लिम्स को भी हुई है। अभी बाकी केसेस अगर हम इनका स्टेटस की बात करें तो 94 केसेस में चार्ज फ्रेम हो चुका है, 47 केसेस ऐसे हैं जिनमें एविडेंस स्टार्ट हो चुका है चार्ज फ्रेम होने के बाद, 12 केसेस डिस्चार्ज हुए हैं जो कोर्ट ने माना कि इनमें पर्याप्त सबूत नहीं है, उनको बिना ही चार्ज फ्रेम किए, बिना ही गवाही के डिस्चार्ज कर दिया। अभी 54 केसेज ऐसे हैं जिनमें अभी मिसलेनियस अपीयरेंस के लिए चल रहा है, जिनमें कभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पुलिस लाती है या दूसरे। 30 केसेज ऐसे हैं जो जिनमें चार्ज पर आर्ग्यूमेंट्स हो चुका है लेकिन अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, चार्ज फ्रेम होने की स्टेज में है। अभी हम इन केसेस की अगर बात करें तो घटनाक्रम हुआ 9 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को पास किया था और 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ था। 11 दिसंबर को राज्यसभा से होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उसको अपनी सहमति दी थी और जैसे ही ये हुआ 13 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर 2000 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा हो गए, जिनमें कुछ छात्र, कुछ स्थानीय लोग, कुछ पूर्व छात्र, और उन्होंने बिना पुलिस से परमिशन लिए, बिना कोई अप्लाई किए सीधा संसद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने उनको रोका तो दंगा शुरू कर दिया और उस दंगे में 20 पुलिस वाले और 25 पब्लिक के लोग जख्मी हुए, सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गईं, रेलिंग तोड़ दिए गए और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। इसके बाद 15 दिसंबर 2019 को फिर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र, पूर्व छात्र और कुछ राजनीतिक पार्टियां उसमें कूद पड़ी। इन सब ने एक गठबंधन बनाया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रोड पर सीए एनआरसी के विरोध करते हुए फिर संसद और राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करना शुरू किया। पुलिस ने जब इनको रोका तो पुलिस पर फोर्स पर पत्थरबाजी शुरू हो गई और अलग अलग रास्तों से निकल के सीवी रमन रोड, भारत नगर इकट्ठा हुए और वहाँ फिर उन्होंने आगजनी की जिसमें 10 पब्लिक के लोग और 5 पुलिस वाले जख्मी हुए। 15 दिसंबर 2019 को एक जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई इसी पर्पज के लिए, जिसमें जामिया के छात्र, कुछ पूर्व छात्र, कुछ अध्यापक और कुछ स्थानीय लोग शामिल हुए। इन्होंने मिलकर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के गेट नंबर 7 पर सड़क को ब्लॉक कर दिया और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर कई नेता उसमें आने लगे, फिल्म एक्टर आने लगे, उनके भाषण शुरू हो गए, भड़काऊ भाषण देने लगे। उन्हीं में से एक जेएनयू का पूर्व छात्र सरजील इमाम, उसने लोगों को भड़काया, उकसाया और भाषण दिया उसने कि अब हमको ताकत दिखानी पड़ेगी। वहीं एक और जो लेखक थे हर्ष मंदर, उन्होंने भाषण दिया कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमको कोई भरोसा नहीं है, हमको अपनी ताकत से ही सरकार को हिलाना पड़ेगा, जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी हम नहीं हटेंगे। और 15 दिसंबर को ही शाहीन बाग रोड को ब्लॉक कर दिया, जो शाहीन बाग इतना मशहूर हुआ
उसकी घटना 15 दिसंबर की है, और शाहीन बाग के बाद फिर पूरी दिल्ली में मुस्तफाबाद, जाफराबाद, सीलमपुर, वेलकम, जगह जगह लाउडस्पीकर लगा दिए गए, महिलाओं को, बच्चों को पहले सड़क के किनारे बिठाया, फिर सड़क जाम करनी शुरू कर दी, शाम को मोमबत्ती लेनी, सड़क जाम कर देनी। इसी सीरीज में जब चल रहे थे, चलते चलते उनको लगा कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो 22 फरवरी 2020 को 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में हजारों की संख्या में मुस्लिम, जिनमें 400 करीब महिलाएं, बच्चे, बिल्कुल प्लान तरीके से जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा हो गए और भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू करके उन्होंने 66 रोड को सीलमपुर से जो मौजपुर जाता है उसको बंद कर दिया। 23 फरवरी को कुछ स्थानीय लोगों ने रास्ता खोलने की मांग की, भी रास्ता खोलो, लोगों को परेशानी हो रही है। तो जो आसपास में जाफराबाद करदमपुरी एरिया है, तो मुस्लिम्स ने पत्थरबाजी शुरू कर दी पुलिस के ऊपर, जो लोग रास्ता खोलने की मांग कर रहे थे उनके ऊपर, और उसके बाद मुश्किल से पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ के बिल्कुल तितर बितर किया। धीरे धीरे सड़कों को बंद करने का सिलसिला फिर चलता रहा, पत्थरबाजी जगह जगह होने लगी, और यही करते करते श्रीराम कॉलोनी, खजूरी खाद, ब्रिजपुरी, टी पॉइंट, दयालपुर, बाबरपुर, गोकलपुरी, चांदबाग, करदमपुरी सब में ये फैल गया, और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर 2000 से 3000 की संख्या इकट्ठा हुई। इसी सीरीज में 24 फरवरी 2020 को 2 बजे मुस्लिम्स की भीड़ ने भजनपुरा पेट्रोल पंप को आग लगा दी। अभी आप लोग देख रहे थे, डिस्प्ले हो रहा था, अगर उस पेट्रोल पंप में पुलिस को और जो फायर ब्रिगेड कंट्रोल नहीं करती तो भजनपुरा और यमुना बिहार का पता नहीं चलता कहाँ चला गया। जो आप अभी फोटो देख रहे थे ना, दुकान बिल्कुल राख हो गई, पूरा पूरा एरिया राख हो जाता, इतना वहाँ पर फ्यूल था। उसके पीछे भी क्रोनोलॉजी थी। इस सारे एपिसोड में जानबूझकर हिंदुओं की प्रॉपर्टी, घर, गाड़ियां, उनको निशाना बनाया। अंकित शर्मा जो आईबी के ऑफिसर थे, वो उनको स्थानीय होने के नाते कि हम सबको जानते हैं, समझा लेंगे, समझाने के लिए आए तो उनको बुरी तरह से उनको मारा। बाद में उनकी डेड बॉडी नाले में मिली थी, ये सब आप सबने देखा है। टोटल दिल्ली में 15 जगह पर यह हिंसा हुई थी, जिसमें करीब 101 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और 581 पब्लिक के लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 97 लोगों को गोलियां लगी हैं, 53 लोगों की जान चली गई। इन केसेस की अगर हम चार्जशीट जब हमने पढ़ी तो पुलिस ने पूरी क्रोनोलॉजी उसमें दी। जो मैं बता रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर किसी पत्रकार भाई को, किसी को जानना है तो मेरे पास चार्जशीट भी है, उसमें डेट वाइज सारा कुछ है। आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ताहिर हुसैन, उमर खालिद, सरजील इमाम, गुलफिजा, सलीम मलिक, इमरान, सादाब, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, ये सभी वामपंथी विचारधारा के लोग, इन्होंने प्लान किया इसके लिए और ये साजिश की थी। साजिश की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन में भी आया और कोर्ट की फाइंडिंग में भी आया। इन लोगों ने सीए और एनआरसी तक बहाना था। अगर इसकी हम जब इन्वेस्टिगेशन को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये उससे बहुत पहले से प्लानिंग थी, जो क्योंकि उसके पहले के जो घटनाक्रम थे, वो धारा 370 का कानून हो या मंदिर वाला मामला हो, वो तभी से मामला इन लोगों के दिमाग में चल रहा था और इन्होंने ये टारगेट किया
कि भाई ये सही टाइम है। उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट दिल्ली में थे, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर था, तो उन्होंने इसको इंटरनेशनली भारत को डिफेम करने के लिए ये टाइम चुना। इस सारी इन्वेस्टिगेशन में जो एक जिसमें यूएपीए भी लगा है, जिसमें ये सारे लोग अक्यूज हैं, और उस केस की इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल ने की है। चार्जशीट फाइल हुई, उसमें चार्ज भी फ्रेम हो गए, कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर पास किया है। इन लोगों इन सबके व्हाट्सएप चैट हैं जिसमें जिसके बेसिस पर यह प्रूव होता है कि यह साजिश पहले से थी। इनमें कई लोगों ने प्ली ली कि मैं तो मौके पर गया ही नहीं था, मैं दंगे वाले दिन बाद था ही नहीं, लेकिन दंगे शुरू होने से पहले और दंगे जिस वक्त हो रहे थे उस वक्त के भी इनके व्हाट्सएप चैट हैं आपस में। उमर खालिद ने गुलफिजा को चैट व्हाट्सएप किया है कि भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, हमें सरकार को घुटनों पर लाना पड़ेगा, ये संघियों की सरकार ऐसे नहीं मानेगी, ये व्हाट्सएप चैट है। इन्हीं लोगों ने साजिश के तहत एक दिल्ली प्रोटेस्ट ग्रुप बनाया कि जो पुलिस जांच में ये भी आया कि इन लोगों ने ये साजिश के तहत हिंसा फैलाई है कि भी हम अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और जो इसमें चार्ज फ्रेम हुए हैं, चार्ज पे आर्ग्यूमेंट के टाइम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आर्ग्यू किया था कि इसकी साजिश बिल्कुल जो अमेरिका के 9/11 की घटना थी बिल्कुल उसकी तर्ज पर साजिश रची गई, क्योंकि उसमें भी साजिश रचने वाले दूसरे देश मलेशिया में बैठे हुए थे और इसमें साजिश रचने वाले ये कुछ दिल्ली में था, कुछ दिल्ली से बाहर था, लेकिन सबका आपस में कम्युनिकेशन चल रहा था। स्पेशल कोर्ट ने इन सबके खिलाफ 153A, 153B, 505 और UAPA की सेक्शन 13 में चार्ज फ्रेम कर दिया है। इसलिए अब ये नहीं कह सकते कि पुलिस ने गलत किया है या ये झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट ने डिटेल में सुना है, कई दिन तक आर्ग्यूमेंट्स हुए, इनके सीनियर एडवोकेट्स ने खूब आर्ग्यू किया है, लेकिन मेटेरियल रिकॉर्ड पे है और उस मेटेरियल को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए हैं। इसमें मोहम्मद इब्राहिम हाईकोर्ट गए थे बेल के लिए, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में उसकी हियरिंग हुई थी। मैं उसका रेलिवेंट पार्ट रीड करूंगा। द रॉयट्स विच टुक प्लेस इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली इन फरवरी 2020 एविडेंटली डिड नॉट टेक प्लेस इन ए स्पर ऑफ द मोमेंट एंड द कंडक्ट ऑफ द प्रोटेस्टर्स हु आर प्रेजेंट इन द वीडियो फुटेज विच हैज बीन प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन विजिबली पोर्ट्रे दैट इट वॉज ए कैलकुलेटेड अटेम्प्ट टू डिसलोकेट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज टू डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल इन द सिटी। द सिस्टमैटिक डिस्कनेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द CCTV कैमराज ऑल्सो कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्री प्लैंड एंड प्री मीडिएटेड कंस्पायरेसी टू डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। दिस इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट इनेबल रॉयटर्स यूथलेसली डिसेंडेड विद स्टिक्स डंडाज बैट्स इत्यादि अपोन ए होपलेसली आउट नंबर्ड कोहर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स। ये रिमार्क्स दिल्ली हाईकोर्ट का है। इसलिए अब ये कहना कि ये झूठ है, फ्रेब है, हमें फंसाया गया है, हम इनोसेंट हैं, ये कहीं नहीं ठहरता। स्पेशल कोर्ट जो श्रीमान अमिताभ रावत जी जिसको होल्ड करते हैं, उन्होंने जब ये चार्ज फ्रेम किया है उसमें भी उन्होंने डिटेल ऑर्डर पास किया है, 10-15 पेज का ऑर्डर है, एक एक चीज को उन्होंने डिस्कस किया है। अगर आप इस सब को देखें जो इसकी क्रोनोलॉजी है, जामा मस्जिद से चलेंगे दरियागंज, दरियागंज से चलेंगे रिंग रोड क्रॉस करते ही शास्त्री पार्क, सीलमपुर, जाफराबाद, बीच में यमुना विहार और भजनपुर आता है,
उसके बाद फिर मुस्ताबाद, चांदबाग और लोनी तक कॉरिडोर जाता है। भजनपुरा पेट्रोल पंप को जलाने के पीछे साजिश थी कि ये जो बीच में हिंदू आबादी है, इस पेट्रोल पंप को आग लगा दो, कुछ मर जाएंगे और कुछ पलायन कर जाएंगे डर के मारे। इसके पीछे ये सोच थी कि लोग यहाँ से पलायन करेंगे और ये पूरा कॉरिडोर सेंट्रल दिल्ली से लेके और यूपी बॉर्डर तक जाएगा। साजिश की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक FIR ED ने भी रजिस्टर की है ताहिर के अगेंस्ट, और उस इन्वेस्टिगेशन में 1.59 करोड़ रुपया फेक कंपनी बनाकर और उसमें फेक बिल बनाकर अमाउंट उन्होंने इकट्ठा किया है और उस पैसे को दंगा कराने के लिए यूटिलाइज किया है। इसी केस में एक और एक्यूज थे अमित गुप्ता, जो ताहिर हुसैन के कंपनी में साथ काम करते थे, वो अरेस्ट हुए। वो इसमें सरकारी गवाह बने, उन्होंने 164 का स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये सारे एलिगेशंस को कन्फर्म किया है, क्योंकि वो उसके साथ पहले से काम कर रहे थे और उन्होंने वो सारा सिस्टम देखा है कि वो किस तरह से पहले से प्लानिंग कर रहे थे। दंगे से पहले रिवॉल्वर को कोर्ट से रिलीज कराना, 100 कार्टेज खरीदना, पैसे इकट्ठा करना और उस पैसे से महिलाओं को, बच्चों को इकट्ठा करना और दिल्ली को ब्लॉक करना और दंगे कराना, ये सारी क्रोनोलॉजी ये साबित करती है कि इसके पीछे ये केवल NRC और CA का मैटर नहीं था, ये गहरी साजिश थी और साजिश थी वो हिंदुओं को, देश को डिस्टर्ब करने की, अशांति फैलाने की। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ, मुझे इतनी जानकारी देनी थी, बाकी आगे के वक्ता आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद आपका डिटेल से।